हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों आज मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में एक यूनिक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का काम होता है एक सबस्टेशन से लेकर के लोड कंज्यूमर तक पावर को ट्रांसफर करना एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, या फिर एक सबस्टेशन से लेके दूसरे सबस्टेशन तक वोल्टेज को डिलीवर करना। तो दोस्तों उन डिस्टेंस के बीच में कितने ट्रांसमिशन टावर्स यूज हुए हैं या ये ट्रांसमिशन टावर का नंबर क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये ट्रांसमिशन लाइन्स को इरेक्ट करते वक्त कितने टावर्स का यूज हुआ है। तो दोस्तों ये टावर का नंबर कहाँ लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसमिशन टावर्स पे लिखे इन नंबरों के जरिए हमें ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है कि जब किसी भी ट्रांसमिशन टावर पर फॉल्ट होता है तो उस ट्रांसमिशन टावर के नंबर से हम उस तक जो भी उसके मेंटेनेंस में या रिपेयरिंग में जो भी मटेरियल जरूरी होगा उस तक हम इजिली पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक हम मैन पावर पहुँचा सकते हैं, मटेरियल पहुँचा सकते हैं। तो ये टावर नंबर से हमें काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये एक 132 केवी का ट्रांसमिशन टावर है। ये देखिए दोस्तों, ये एक 132 केवी का ट्रांसमिशन टावर है। इस पर एक नेम प्लेट दिखाई दे रही है आपको टावर नंबर करके, इस पर टावर नंबर लिखा हुआ है 18। और ये 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, इस पर आपको वोल्टेज लेवल का इंडिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा 132 केवी। देखिए दोस्तों, इस पर टावर नंबर दिया हुआ है और ये कितने वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट कर रही है ट्रांसमिशन लाइन, ये भी दिया हुआ है। और ये लाइन बिछी हुई है पड़े गांव से लेके हरसुल तक, और ये डिस्टेंस के बीच में पड़े गांव से लेके हरसुल तक कितने ट्रांसमिशन टावर्स यूज हुए हैं, ये इसके जरिए आप पता लगा सकते हो। ये टावर नंबर 18 है, 18वां ट्रांसमिशन टावर है ये 132 केवी का। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद ये जो आगे टावर होगा ये 19वां टावर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए आपको यूनिक जानकारी जरूर मिली होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए सेफ रहिए, गुड बाय एंड टेक केयर।